पुलवामा की घटना के विरोध में गुस्साए लोगों ने रामपुर में आतंकियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रामपुर बरेली गेट स्थित कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर का पुतला फूंका गया। बाद में शहीद जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। देखिए, जिस तरीके की घटना पुलवामा के अंदर हुई है उसने पूरे देश को हिला दिया है। ये बेहद शर्मनाक घटना है। आज हमने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है अजहर मसूद, उसका पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है। और ये एक कायराना हरकत है कि सीमा पार के अंदर बैठा हुआ कोई शख्स न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है बल्कि पाकिस्तान को भी इस दहशतगर्दी से निजात मिलना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कभी पेशावर के अंदर मासूम बच्चों की हत्याएं करते हैं तो कभी हिंदुस्तान के अंदर बेकसूरों की जान लेते हैं। तो ये घटना बेहद निंदनीय है। शहीद जवानों के परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ खड़ी है और सरकार के साथ भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर एक साथ है। तो आज रामपुर के अंदर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूंका है, जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। आप से जानना चाहेंगे इसका हल क्या है, आखिर कब तक इस तरह? देखिए, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को पनाह देता है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की जो सरकार है उनको आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह नहीं देना चाहिए।